नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद समी जैन एंड विद संजीव बिट्टा जी। बिट्टा जी, सबसे पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम समी जी। सर, पप्पू पप्पू नहीं रहा, मोदी जी नहीं रहे, ये क्या हो रहा है पूरे देश में? मोदी जी ने कल एक विकराल रूप दिखाया पार्लियामेंट के अंदर, जैसे पप्पू को जॉब दिया। वैसे तो पप्पू नहीं बोलना चाहिए आगे से, मुझे लगता है हमें भी अधेड़ बालक या पप्पू जी ऐसे शब्द ही यूज करने चाहिए जैसे मोदी जी ने यूज करे। लेकिन एक एक नई सियासत हम चेंज होती हुई दिखाई देती है भारत के अंदर, एक ऐसा गंध जिसके ऊपर मोदी जी ने भी एक ऐसा रूप दिखाया जो मैंने कभी देखा नहीं। एक कमर के ऊपर दोनों हाथ रखकर, जैसे मोदी जी खड़े होकर वहां पे भाषण दे रहे थे, एक गुस्से में थे, जैसे उन्होंने उधेड़ा है सबको। मैंने मोदी जी को कभी देखा नहीं है दुश्मनों के साथ ऐसी बात करते हुए मैंने देखा है, जैसे पाकिस्तान हो, चाइना हो, कोई और हो, उसके लिए ऐसे बोलते हैं, लेकिन अपोजिशन के लिए, और जैसे उन्होंने एक एक चीज का जॉब दिया वो देखने वाला था। लेकिन सबसे पहले बात शुरू करते हैं पप्पू से। पप्पू पप्पू नहीं रहा, जो गेम खेल रहा है वो कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसके ऊपर उसने ये बात करी है, इसके ऊपर कुछ बात करते हैं, उसके बाद मोदी जी के ऊपर चलेंगे। सुमित जी, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी जी को समय दिया गया बोलने के लिए, वो समय क्यों दिया गया उनको बोलने के लिए? कि उससे जो हमारे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने दोनों ज्वाइंट पार्लियामेंट का अधिवेशन करा, उन्होंने अपने अपीतों से उसको संबोधित करा। तो ये जो मेंबर लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है उसको एक थैंक्स देने के लिए वो अपनी तरफ से कुछ मुद्दों को हाईलाइट करते हैं और उनको उस अधिवेशन को वो ऑपरेशन की तरफ से लीड करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली जब उनका 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 बोलना बंद हो जाता है जिन मुद्दों को उठाते हैं, तो उसके बारे में फिर प्रधानमंत्री को प्रेसिडेंट को थैंक्स बोलना पड़ता है कि उन्होंने दोनों पार्लियामेंट्स को उन्होंने संबोधित करा और साथ में अपना जो उनका जो रोड मैप है उसके बारे में रोशनी डालनी पड़ती है उनको, और ऑपोजिशन वालों के जो मुद्दे होते हैं उनके बारे में उनको जवाब देना होता है। जो हैरानी वाली बात यह हुई है कि जो उन्होंने अभी जितनी भी देर वो बोले, उन्होंने राष्ट्रपति जी का नाम एक बार भी नहीं लिया, ना ही उन्होंने उनका धन्यवाद करा। पार्लियामेंट्री नियम के हिसाब से एक पार्लियामेंट्री सिस्टम करने वाली बात है, और ये बात सही नहीं है कि आप पार्लियामेंट के जो तौर तरीके हैं उसको पूरी तरह अलग करके, दरकिनार करके, उनको साइडलाइन करके अपनी अपनी बात को ऊपर रखने की कोशिश करें। तो ये एक तरीका ही गलत था उनका इस चीज को इस तरीके से एड्रेस करने का। अब बात आते हैं कि उन्होंने किस तरीके मुद्दे उठाए, उन्होंने अपनी स्पीच में किस तरह के मुद्दे उठाए। उनका मेन एक ही मुद्दा था कि इंडिया का जो इंस्टीट्यूशन है उनको गलत बताया जाए, चाहे वो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, आपने ईडी है, सीबीआई है, या और भी जो इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट जिनके थ्रू देश में तरक्की करने की कोशिश कर रही है। और साथ ही साथ उन्होंने जो सबसे बड़ा मुद्दा जो उठा दिया वो ये था कि उन्होंने कहा कि हिंदू जो है वो इस देश में गड़बड़ी चाहता है, वो लड़ाई झगड़ा सिर्फ चाहता है, वो शांति प्रिय नहीं है। तो उन्होंने इस डायरेक्टली हिंदू के ऊपर अटैक करा, जो कि उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल करे वो गलत इस्तेमाल करे। अगर उनको अपनी बात को सामने रखना था कि अगर कि जो शांति प्रिय लोग है नहीं है, वो शायद किसी भी कौम को नहीं बिलोंग करते, चाहे वो किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते, उस तरीके से बात कर। उन्होंने डायरेक्ट अटैक जो सनातन पे, आरएसएस पे, हिंदू पे अपना बनाए रखा है। और इसका संज्ञान लेते हुए जितनी भी रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे वो होम मिनिस्टर है, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर खुद है, और या और भी जो वरिष्ठ नेता गवर्नमेंट के, सबने इसके बारे में बढ़ चढ़ के बोला है। और इस पर क्या सिर्फ निंदा करना है, क्योंकि राहुल गांधी जो भी बात कहते हैं एक टूल किट का हिस्सा होती है। जैसे उनको उस पर्टिकुलर टूल किट को रटा के उनको पार्लियामेंट में भेजा हो और उन्होंने जाके वो उस पूरी सीखा सिखाई की उल्टी कर दी हो, वॉमिट कर दी हो पार्लियामेंट में जाके, और उसके अलावा उनको अगर उनपे
उनसे उस विषय में किसी भी किसी किस्म की अगर डिबेट करने की कोशिश करी जाए तो शायद वो उसके बारे में एक मिनट भी ना बोल पाए, क्योंकि उनके टूलकिट के इधर इधर तो उनके उनको उनको कुछ भी और बोलना नहीं। जब पार्लियामेंट के बाहर निकले राहुल गांधी, जितना भी मीडिया मीडिया ने उनको घेरा, उनसे सवाल जवाब करने की कोशिश करी, तो शायद वो एक लाइन से भी ज्यादा का जवाब नहीं दे पाए और वो वहीं से खिसकते खिसकते नजर आए। मुद्दों उसमें मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से वो कतरा रहे थे, क्योंकि टूलकिट में ये नहीं सिखाया गया कि मीडिया को कैसे हैंडल करना है। तो बेसिकली जितने भी फॉरेन एजेंसीज हैं या जितने भी बाहर के जो विदेशी ताकतें हैं जो इसके पीछे लग के इनको सपोर्ट कर रही हैं, और वो जो पूरी टूल किट इनको बना के देती है कि किस मुद्दे पे क्या किस टाइम पे क्या उठाना है, उसमें क्या क्या बोलना है, ये साफ नजर आ रहा था कि इनका जो जितना भी इन्होंने पार्लियामेंट बोला वो टूल किट के हिस्से के अलावा और कुछ नहीं था, वो एक प्लान मूव था और उसके पीछे चौसी समझी एक रणनीति थी। ठीक है सचिव जी, मैं लेकिन एक चीज से एग्री नहीं करता, जो राहुल गांधी ने बोला कि हिंदू जो है वो प्रेम पूर्वक नहीं रहता है, कोई बात नहीं मानता है, तो क्या गलत बोल दिया उन्होंने भाई? वो चाहते हैं कि हिंदुओं की लड़कियों को उठा के उनका रेप किया जाए, कन्वर्ट किया जाए, हिंदू नहीं करने देता है पीसफुली। तो राहुल गांधी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यहाँ पर जो हिंदू है वो दंगे कराता है, दंगे इसलिए कराते हैं कि जब हमारे लड़कियों को उठा के लेके जाया जाता है, बदतमीजी की जाती है, हिंदुओं के साथ लिंकिंग होती है, तो हिंदू भी भड़क कर बाहर निकलते हैं। तो राहुल गांधी चाहते हैं कि हिंदू प्रेम पूर्वक ये सारे काम होते देना चाहिए उनको, तो इन्हें दंगे नहीं कराने चाहिए, हमारी कन्वर्जन फोर्सफुली होती है, ये हमें हंसी हंसी करवाना चाहिए, ये तो मुगल भी कहते थे, तो मुगलों की औलाद है ये, तो वो ही अगर लैंग्वेज बोल रहा है वो, तो क्या गलत बोल रहा है? देखिए राहुल गांधी ने तो जो बोला सो बोला, बट इसका सनातन धर्म से जुड़े लोग या हिंदू धर्म से जुड़े लोग, उन्होंने इसके बारे में किस तरीके से इसको समझा वो बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या वो अब भी नहीं समझ पाएंगे कि इनका बेसिक एम क्या है, इनका बेसिक असली मकसद क्या है। इनका असली मकसद सिर्फ ये है कि किसी भी तरीके से हिंदुओं को आपस में लड़वाया जाए, उनको उनको जात पात में बांटा जाए और उनको बदलाया जाए, उनको अपने देश के प्रति अपनी जो उन्होंने बहुत इतने पिछले 10 साल से एक जो आस्था बना रखी है, एक जो पेट्रियोटिक देशभक्ति का भावना जिसमें लोगों में जागी है, वो कहीं से कहीं ना कहीं उस चीज से अलग हो जाए। अगर वो अलग ऐसा करने में लोग कामयाब हो जाते हैं, तो ये जो कबाल है जो पूरे इंडिया अलायंस को पूरा सपोर्ट कर रहा है, जो विदेशी ताकतें सपोर्ट कर रही है या फॉरेन एजेंसी सपोर्ट कर रही है, वो कहीं ना कहीं इस देश को अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप में बांटने में कामयाब हो जाएगी, आपस में लड़वाने में कामयाब हो जाएगी, सिविल वॉर हो जाएगी और ये पूरे देश का जो माहौल हो जाएगा इस हद तक खराब हो जाएगा कि उसके बाद एक वीट गवर्नमेंट को इंस्टॉल करने में वो शायद कामयाब हो जाए। तो इनका बेसिक मुद्दा ये है कि किसी ना किसी से इस गद्दी पे वाके बैठना है और करंट गवर्नमेंट को जो इस रूलिंग गवर्नमेंट है, चाहे वो मेजोरिटी में आके भी गवर्नमेंट चला रही है, उसको किसी तरीके से डिफेम करो, बदनाम करो और इसको इसको किसी तरीके से इस गवर्नमेंट को चलने से रोक दो। ठीक है संजीव जी, आपको नहीं लगता कि जब हमने शुरू किया, मैंने आपके पहले बोला कि ऐसा नहीं लगता कि अब पप्पू नहीं रहा, लेकिन ये अपने वो पप्पू का जो इसने मुखौटा एक डाला हुआ है उसके पीछे जो ये षड्यंत्र रच रहा है कि देश के टुकड़े हो जाएं, ये वहीं पे चले जाए जैसे इनके राज में था कि हमें बनाना कंट्री बोला जाता था, वी वर इन फ्रेजाइल 5, कभी भी लुढ़क सकते थे, जिस तरह से श्रीलंका और पाकिस्तान लुढ़क चुके हैं आज की डेट में, उसी कगार के ऊपर भारत भी था। मोदी जी ने 10 सालों में भारत को बाहर निकाला है, ये तो शुरू से चाहते हैं कि भारत के टुकड़े हो जाए, ये इस्लामिक कंट्री बन जाए, और उसी की नफरत में इसने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो दिए हैं। आपको नहीं लगता ये मुखौटा जो इसने डाल के रखा है पप्पूपन का, ये मुखौटा है, असलियत में गेम कुछ और ही है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे समीर जी, इस पप्पूपन के पीछे एक बहुत शातिर दिमाग है जो कि इंटरनेशनल लॉबीज के साथ मिलकर काम कर रहा है और विदेशी ताकतों के साथ मिलकर काम कर रहा है, इंडिया के जो लेफ्ट विंग सोच विचारधारा के लोग हैं उनके साथ मिलकर काम कर रहा है, मुसलमानों के जितने संगठन है उनके साथ मिलकर काम कर रहा है, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है किसी न किसी तरीके से इसके पीछे लगा हुआ है और इसके जरिए वो इस देश के अंदर अराजकता का माहौल फैलाना चाहते हैं, इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश में लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। और ये काम अगर सपोज कीजिए 2014 में अगर मोदी गवर्नमेंट नहीं आई होती तो अब तक ये काम हो भी चुका होता और शायद हम इस देश में इस टाइम तक रहना भी पसंद ना करते। सर पप्पू जैसा बंदा, हम इसे पप्पू बोलते हैं,
आप सोच के देखिए, हजारों करोड़ों रुपए के तो स्कैम्स हैं इसके नाम पर। मोदी जी ने बोला भी है कि भाई ये बेल के ऊपर है, हजारों करोड़ों रुपए के घबले करे हैं इन्होंने, दो दो कंट्रीज तीन तीन कंट्रीज की सिटीजनशिप ली हुई है तो भी यहां पर एमपी बन के बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है। और ये एक पप्पू का सपना है, ये पप्पू के काम नहीं है, ये एक षड्यंत्रकारी के दिमाग है जो कि इसके अंदर है, लेकिन हम इसे पप्पू समझ समझ के अब तक बेवकूफ समझते रहे। अभी जिस तरह से वो बैठा हुआ था वहां पे पार्लियामेंट में, अपने लोगों को भड़का रहा था कि आप मोदी जी को बोलने मत दीजिए, इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग जो कुछ वो वहां कर रहा था। मोदी जी जवाब दे रहे थे, ही वॉज लाफिंग एट मोदी जी कि तुम्हें तो मैंने बेवकूफ बना दिया, तुम 10 साल से पागलों की तरह कंट्री में काम करते रहे और तुम्हारे पैर के नीचे से मैंने जमीन खिसका दी है और अगली बार तुम्हें मुंह के बल गिरना पड़ेगा और तुम्हारे हिंदू ही तुम्हें गिरने वाले हैं, जबकि मैं हिंदुओं को गाली निकाल रहा हूं तो भी हिंदू मुझे जिताएगा, मुसलमान तो 100% मेरे साथ है ही हैं और हिंदू जिसके लिए तुम काम करते रहे वही तुम्हें हराने वाले हैं। एंड ही वॉज लाफिंग एट मोदी जी, क्या हिंदू इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो कुछ कल हुआ? सुमित जी, ये एक बहुत दुखद चीज है कि हिंदू ने अब की बारी इलेक्शन प्रोसेस में बढ़ चढ़ के हिस्सा ना लेने की वजह से एक मोदी गवर्नमेंट चलो पावर में तो आ गई है, मगर उन्होंने ऑपोजिशन को भी बहुत सारी सीट्स इसके चक्कर में दे दी है वोट कम डालने की वजह से, और जबकि मुसलमान का जो तबका है उन्होंने बढ़ चढ़ के वोटिंग करी और वो कहीं ना कहीं पे कांग्रेस को या उनके अलाइड पार्टी जितनी भी हैं इंडिया अलायंस की उनको ज्यादा सीटें दिलवाने में वो कामयाब रहे। तो अब देखिए कि अब इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये कम सीटें लाने के बावजूद भी शायद देश को यही रूल करेंगे, इन्हीं का इकोसिस्टम यहाँ पे काम करेगा और शायद ये मोदी जी को बैकफुट पर लाने में कामयाब हो जाएंगे। और इन आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने ही लोगों को इशारा कर रहे थे कि भैया देखते कितनी देर ये बोलते हैं, पर मोदी जी ने अपनी जमीन नहीं छोड़ी, वो लगातार 2.5 घंटे तक जितनी उनको बात करनी थी जिन जिन मुद्दों पर बात करनी थी उन्होंने बहुत स्ट्रांगली रिप्लाई दिया। और कई कई जगह पे तो मैंने इतनी जगह ऐसी देखा कि मोदी जी के सामने जो वेल का हिस्सा था वहीं पे लोग खड़े होकर नारे लगा रहे थे और जब मोदी जी स्पीच देते देते अपनी बात कहते कहते उनको बीच में जब थोड़ी सी प्यास भी लगी तो जब पानी उनको लाया गया तो उन्होंने से उसमें एक या दो ग्लास सामने वाले लोगों जो नारे लगा रहे थे मोदी जी के उनको भी ग्लास पकड़ा है, भाई तू पी ले, तू अभी तो मेरे को बहुत देर बोलना है, तेरा गला थक जाएगा, तेरा गला सूख जाएगा, तो थोड़ा पानी पी ले शायद तेरे पे थोड़ी जान आ जाए। तो ऐसा भी मतलब उन्होंने करते दिखाया वीडियो में, अगर आप एक दो आप वीडियो यूट्यूब पे जाकर देखोगे इधर न्यूज चैनल पे देखोगे आपको ये चीज नजर आ जाएगी कि मोदी जी ने ऐसा भी करा। और जो पूरा मोदी जी का जो 2.25 घंटे 2.5 घंटे का जो स्पीच चली उसके बाद में मोदी जी खिलखिला के हंसे हैं कि आज उनको बहुत ही मजा आया अपनी बातें सामने रखने का, आज उनको इतना आनंद आया कि मतलब उन्होंने बेसिकली जो जितनी ऑपोजिशन थी उनकी जो उन्होंने जो कोशिश करी उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। मगर मोदी जी की एक बात मुझे पसंद आई कि उन्होंने एक चीज बहुत खुले तरीके से बोल दी कि जो भी राहुल गांधी कर रहा है वो एक षड्यंत्र का हिस्सा है, वो उसको हम नॉर्मल तरीके से हम नहीं ले सकते। दूसरी चीज उन्होंने एक चीज और कही कि जिस इंसान को हम पप्पू की संज्ञा में देते हैं या जो भी नाम देते हैं और कि वक्त आ गया है कि मोदी जी उसकी हर कही हुई बात को सीरियसली लें, इसका इशारा यह था कि अब मेरी नजर तुम्हारे ऊपर है, अब तुम संभल कर रहना। और तीसरी बात उन्होंने एक बात और भी कही कि ये जो कबाल है, ये जो इकोसिस्टम है, जिस तरीके से वो अटैक करता है उनको आने वाले दिनों में उनकी ही भाषा में उनको जवाब दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी सतर्क करवाया ऑपोजिशन के लोगों को कि जो लोग इस विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं, जो इस कबाल की विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं और अगर वो देश की तरक्की के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने आप को मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, तो वो इंडिया का साथ दें और उनके साथ जुड़े, और अगर वो उस तरफ रहेंगे तो शायद आने वाले दिनों में उनका भी बहुत नुकसान होगा क्योंकि गवर्नमेंट जो है हर मुद्दे पे बहुत सख्ती से सामने आने वाली है। तो इशारों में मोदी जी ने बहुत सारी चीजों को बोल दिया है, बट अब ये देखने वाली बात है कि क्या उस तेजी से उतनी सख्त तरीके से या उस फ्रंट फुट में क्या आगे मोदी गवर्नमेंट खेलेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। बट संजीव जी, मैं यहाँ पे जब वीडियोस बनाता है वहां पे कमेंट्स आते हैं लोगों के, वहां पे मैंने एक पैटर्न देखा है, जो हिंदू है वो बार बार बोलता है कि मोदी जी बड़े डिफेंसिव हैं, अटैकिंग नहीं होते हैं, आपके पास 2 बार मैंडेट था
आपने कुछ भी इन मुसलमानों के खिलाफ, इनके जो रूल्स बनाए हुए थे कांग्रेस के टाइम पर, उनके खिलाफ पर्सनल बोर्ड हो, बेशक वो कोई भी हो, उनके ऊपर कोई भी काम नहीं किया। जो एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स देते हैं उनके ऊपर कोई काम नहीं किया। और भाई एंटी नेशनल्स का तो ये हाल है कि वो जेल में बैठे हुए इलेक्शन लड़े हैं और जीत भी गए हैं। मैं खालिस्तानियों की, कश्मीरियों की मैं बात कर रहा हूं। और अब तो ये हालत है कि उनके जो असिस्टेंट थे ये एंटी नेशनल्स के, उन्होंने भी बाई इलेक्शंस में खड़े होने की पेशकश कर दी है। सारे के सारे इलेक्शंस लड़कर पार्लियामेंट में जाने वाले हैं। जो पहले से बैठे हैं वहां पर वो जय पैलेस्टीन के नारे लगाते हुए दिखाई दिए इस बार। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमें डिफेंसिव होने की बजाय अटैकिंग मोड में आना चाहिए? और मोदी जी ने बोला भी इस बार कि मैं एक एक को चुन चुन के उसी भाषा में जवाब दूंगा। जब आप ये बोलते हैं कि मैं उसी भाषा में जवाब दूंगा, दैट मीन्स वो कुछ बोलेंगे आप उसका जवाब देंगे। अगेन दिस इज डिफेंसिव। क्यों नहीं हम पहले लीड लेते कि उनके खेमे को इतना बर्बाद कर दो, पहले ही स्टेटमेंट दे दो। क्या वो अगर स्टेटमेंट देते हैं आप उसके अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते? अगर उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ बोला है आप मुसलमानों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? उनके तो फॉल्ट लाइन्स इतनी है कि अगर बोलना शुरू करें तो 10 साल निकल जाएंगे। तो क्या हमें अटैक नहीं करना चाहिए? और हिंदू जिनके लिए बोला गया है इतना कुछ, एक भी प्रोटेस्ट नहीं है पूरे भारत में। अगर मुसलमानों के लिए एक भी चीज बोली होती आज आग लगी होती पूरे भारत में। क्या राहुल गांधी को नहीं दिखता कि हिंदू इतना निकम्मा है, वो बाहर निकलेगा ही नहीं अपने सम्मान के लिए। मोदी जी अकेले कहां का लड़ेंगे उसे भी मालूम है, इसलिए वो हंस रहा था मोदी जी के ऊपर। क्या ये चीजें नहीं है? क्या हमें अटैकिंग मोड पर नहीं आना चाहिए? सुमित जी, अटैकिंग मोड पे बहुत जरूरी है अटैकिंग मोड पे आना। अगर आप पिछले 10-11 साल में देखोगे जो पहले दो टर्म्स मोदी जी ने पूरे करे हैं, उसमें तो मोदी जी के मुंह से ये स्टेटमेंट भी नहीं निकली कि हम ऑपोजिशन को उनकी गलत हरकतों के लिए उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे, ये स्टेटमेंट भी नहीं निकली थी। और हम लोग सोचते थे कि मोदी जी कुछ बोलते क्यों नहीं है, कम से कम आपके पास बोला तो सही कि उन्होंने अगर कुछ इस तरीके से गलत काम करा है जो इकोसिस्टम बना के बैठे, कमाल बना के बैठे हैं, तो उसको उसके अंगेंस हम पूरे उसी भाषा में जवाब देंगे जिस तरीके से वो हम पे गलत, हमारे साथ देश के साथ या लोगों से गलत काम करते हैं। तो इसको मैं मतलब एक सीरियस नोट पे लेना चाहूंगा कि मैं ये मान के चलूंगा कि ये सिर्फ जवाब तक सीमित नहीं रहेगा, इसका हमें इसका एक्शन ग्राउंड पे भी होता हुआ नजर आएगा। मगर कितना एक्शन हो पाएगा ये देखने वाली बात है कि सिंबॉलिक एक्शन तक सीमित ना रहे ये ज्यादा अच्छा है। और लगातार इन चीजों को गलत जो काम हो रहे हैं वो उनपे उसको उस पर मतलब कहीं ना कहीं लगाई जाए और जो लोग देशद्रोह का काम कर रहे हैं उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए या उनपे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए, तभी जाके कहीं पे कुछ शायद अंकुश लगना शुरू होगा। मतलब शुरुआत इनको बहुत करनी पड़ेगी ताकि वो एक तरीके से डिटरेंट पैदा हो बाकी लोगों के लिए कि भैया वो भी अगर कुछ ऐसा करेंगे तो शायद ये गवर्नमेंट उनको भी सहेगी नहीं और उनपे भी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगी। मगर एक चीज और है सुमित जी, अब जैसे जितने भी इंडिया अलायंस के बाकी मेंबर्स कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जैसे जैसे पार्लियामेंट से बाहर निकल रहे थे और मीडिया ने उन लोगों से बात करने की कोशिश करी कि भैया राहुल गांधी ने ये जो स्टेटमेंट दी है हिंदुओं के अगेंस्ट कि ये हिंदू शांतिप्रिय इंसान नहीं है, ये सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए करता है, ऐसा है वैसा, मतलब दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें कही, झूठ बातें बोली, चाहे वो हमारी आर्मी की अग्निवीर स्कीम के बारे में थी, चाहे वो गवर्नमेंट की और बाकी सारी डेवलपमेंट स्कीम के बारे में थी, जितना वो झूठ बोल सकते हैं उन्होंने झूठ बोला पार्लियामेंट में, ठीक है ना। जब उसके बारे में मैं इंडियन लाइन्स के बाकी लोगों से बातचीत करी गई तो उन्होंने उसमें से कई लोगों ने लोग ऐसे हैं जो कि उन्होंने दबी जबान में ये बोला मीडिया को कि ये शायद राहुल गांधी जी की पर्सनल ओपिनियन है, ये उनका खुद का ओपिनियन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जितने भी इंडियन लाइन्स की बाकी पार्टीज की जो हिंदू की वोट बैंक का जो बेस था उसको भी हिलाने की कोशिश करी, उनका बेस हिलाने की कोशिश करी। तो वो जितने अलायंस के दूसरे लोग हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि जितने हिंदुओं ने या लोगों ने उनको वोट करी वो उसके उसके बारे में राहुल गांधी उसको गाली देते हैं, उसको गलत बताते हैं, वो वोट बैंक उनके हाथ से निकल जाए। ठीक है, आपने एक मुद्दा बोल दिया कि मोदी जी को स्ट्रांगली पकड़ना चाहिए इनको। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो नेशनलिज्म का एक कीड़ा था जो हमारे यहाँ पे मार दिया गया था कि भारत माता की जय हम बोलते नहीं थे, जय श्री राम बोलते नहीं थे, बोलते थे यार लोग हंसेंगे हमारे ऊपर, वो टैग तो खत्म कर दिया मोदी जी ने। दैट मीन्स नेशनलिज्म को, सनातन को बहुत स्ट्रांगली उजागर किया है मोदी जी ने। खुद प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं,
शर्म नहीं करते मंदिरों में जाते हुए, जबकि पुराने जो थे वो बंदर की टोपी लगाते हुए तो गर्व महसूस करते थे, मंदिर में जाते नहीं थे कि कहीं बंदर की टोपी वाले नाराज ना हो जाएं। मोदी जी ने एक काम तो अच्छा किया, बट आपको नहीं लगता कि जैसे अरुंधति रॉय के ऊपर हाथ डाला है? लिब्रांडो की क्वीन है, वो रानी है मधुमती के छत्ते की, उसको हाथ डाला है और उसको अंदर करने की पूरी प्लानिंग है, और इतनी प्लानिंग है कि लिब्रांडो का पूरा इकोसिस्टम शुरू हो गया। यूनाइटेड नेशंस वालों ने हमें बोला है कि अरुंधति राय के ऊपर कोई भी केस ना चलाया जाए, यानी कि हमने खेमे के अंदर हाथ डाल दिया है। क्या ये जो सारा ईद का कबाल है, इसका खेमे का जो लीडर है आज की डेट में वो पप्पू है? मोदी जी ने कहीं ना कहीं इशारों में बोला भी है, हजारों करोड़ों रुपए के केसेस चल रहे हैं, बेल के ऊपर बाहर है, कहीं ना कहीं इशारा दिया है कि बेटा तुम इतने सेफ नहीं हो, तुम्हारी सारी फाइलें मैं इटली से ऑलरेडी लेकर आ गया हूं, मिलोनी ने मुझे पर्सनली फाइलें तुम्हारी पकड़ा दी हैं, अब तुम्हारा जेल में जाना तय है। क्या मोदी जी को सारे कबाल को सीधा करने के लिए एक पप्पू जैसे बंदे को, जिसको पप्पू बोल रहे हैं, पप्पू नहीं है वो आज की डेट में, वो पूरा षड्यंत्र के तौर पर काम कर रहा है, अगर इसे एक बंदे को पकड़ के अंदर कर सकते हैं, सारा इकोसिस्टम टूट जाएगा इनका, क्या ये काम नहीं करना चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग स्टेप और पूरा भारत दोबारा से एक झंडे के नीचे आकर दोबारा खड़ा हो जाएगा, जैसे राम मंदिर के पहले खड़ा हुआ था। क्या मोदी जी को ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए? रश्मि जी, हमें एक चीज समझनी चाहिए कि देखिए, जो हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर जितना भी विदेशी ताकतों की जो इंटरफेरेंस हो रही है, या भारी जो इंटरनेशनल कबाल है, डीप स्टेट जो इंटरफेरेंस कर रहा है इंडिया के अंदर, उसका बहुत बड़ी फंडिंग जो होती है वो यूएसए के थ्रू होती है, बहुत बड़ा पैसा यूएसए अपनी तरफ से देती है। अच्छा, यूएसए में नवंबर में इलेक्शन है, और इस वक्त जो यूएसए के अंदर जो गवर्नमेंट है, बाइडन गवर्नमेंट है, वो शायद मोदी जी को सामने से आके तो बोलती है कि हम तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं, मगर अंदर ही अंदर उनकी जड़ें भी काटने की कोशिश करते हैं। तो मोदी जी के पास जो भी फाइलें हैं, जो इटली से मिली है इनको वहां पे, इनके डिफरेंट अलग अलग केसों की वजह से, तो शायद वो मोदी जी तब तक इन पे प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे कि भैया तुम बिहेव कर लो, अगर तुम बिहेव नहीं करोगे तो आने वाले समय में तुम इसका खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। तो हो सकता है मोदी जी नवंबर तक तो ये डर इनके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया अगर वहां पे गवर्नमेंट चेंज होगी और हमारी फेवर की गवर्नमेंट आ गई तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो ये भी शायद राहुल गांधी के लिए भी शायद कुछ ही महीने बचे हैं, 54 महीने बचे हैं, जहां पे वो अपना खेल खेल सकता है। वो उसके बाद वो भी जानता है कि अगर यूएसए के अंदर गवर्नमेंट चेंज होगी, फ्रांस में जो लग रहा है कि गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, फर्स्ट राउंड मैक्रोन ऑलरेडी हार चुके हैं और उसमें भी वो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आने वाली है, और जॉर्जिया में आपकी नेशनल गवर्नमेंट है, इटली में नेशनल गवर्नमेंट, और भी पूरे यूरोप के दूसरी कंट्रीज में भी नेशनल गवर्नमेंट आ रही है, यहां तक कि ऋषि सुनाक का विषय जितना असंभव सा लग रहा है, वहां पर भी एक नेशनल टाइप की गवर्नमेंट जो सामने आ रही है, उस टाइप का माहौल बन रहा है। तो जितनी जितनी दुनिया के अंदर नेशनल गवर्नमेंट आती रहेंगी, उतना उतना मोदी जी अपने आप में स्ट्रांग होते चले जाएंगे, और वो लोग सबके सब मोदी जी को अपना अपना एक गुरु मानते हैं, अपना एक उस तरीके से लेके चलते हैं कि ये इंसान अगर अपने देशभक्ति के सर पे और हिंदुस्तान को तरक्की करा सकता है, हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो उनके भी वहां पे जो फॉल्ट लाइंस है, उन सब चीजों को तभी दूर हो सकता है जहां पे नेशनलिस्ट टाइप की गवर्नमेंट आए, ना कि इस टाइप की गवर्नमेंट जो कि एक दूसरे के देश में इंटरफेयर करके जबरदस्ती अपने फायदे के लिए, निजी फायदों के लिए दूसरी गवर्नमेंट को चलाएगी और तोड़ेगी। तो वो काम शायद हिंदुस्तान में भी करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक तो कामयाबी मिली नहीं है। बट इसका जो मोदी जी का शक्ति जो है कांग्रेस के ऊपर, शायद पूरी तरीके से होने में शायद कुछ महीने बाकी और हैं, तब तक ये पूरा माहौल बनाएंगे उतना प्रेशर डालने के लिए कि आप सही तरीके से बिहेव करना शुरू कर दो, वरना आने वाला समय तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। संजय जी, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आपको अगर कंट्री में और दुनिया में नाम कमाना है, आपको दुनिया की परवाह करनी बंद करनी पड़ेगी। जब चाइना ने तरक्की करी है वो एक ही रीजन के कारण, वो अपने देश में क्या कर रहा है किसी को बोलने नहीं देता, और अगर कोई बोलता है तो बोलते हैं कि यार भौंकते रहो, हमें फर्क नहीं पड़ता, और चाइना उसके बाद और सख्ती से काम करना शुरू कर देता है। आपको मालूम है यहाँ पर मुसलमानों के साथ क्या कुछ किया जाता है, पूरी दुनिया में कोई बोलता नहीं है, और जब जब बोला है इन्होंने उठे उसके बाद अगले ही दिन 10-15 और मस्जिदें तोड़ दी। तो जब आप सख्ती से काम लेते हैं तो दुनिया भी झुकती है। मोदी जी कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास के चक्कर में इन्होंने वो सख्ती करनी बंद कर दी जो करनी चाहिए थी, और हिंदुओं को शायद उसी बात का गुस्सा भी है। ऑपोजिशन ने जो किया वो इसी बात के लिए अपनी नंबर्स को बढ़ाना चाहते थे। अब तो नंबर भी बड़े किसके हैं, अखिलेश यादव के गुंडे आ गए हैं,
ममता के गुंडे बढ़ गए हैं, तो वहां पर गुंडागर्दी ही होनी थी, हमें मालूम था। उन्होंने अपना जो उनका मेन मकसद था गुंडागर्दी करना अपने राज्यों में भी और पार्लियामेंट में, वही किया, तो कुछ भी फर्क नहीं है। मोदी जी को भी खुलकर अब सामने आना पड़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं बार बार उदाहरण देता हूं चाइना का, क्योंकि चाइना रहता हूं मैं, यहाँ की तरक्की देखी है, वो सख्ती से पेश आते हैं हर चीज के साथ, तभी तरक्की भी है। मिडल ईस्ट के अंदर आप कोई भी कंट्री ले लीजिए जिसको ये मुसलमान कंट्री बोलते हैं, क्या वहां पर सख्ती से पेश नहीं आया जाता किसी भी चीज के लिए? सख्ती से पेश आते हैं तो तरक्की है। जहां पर सॉफ्टनेस है, जैसे यूरोप ने सॉफ्टनेस दिखाई, आज हालत क्या है, अपने ही कंट्री में शरणार्थियों की तरह रह रहे हैं 96% यूरोपियंस, 4% मुसलमान जो वहां पर इंपोर्ट होकर आ गए हैं, शरणार्थी बनकर आए थे, वहां पर हॉस्टेज हैं, 4% है सिर्फ। तो ये हालत है यूरोप की। तो भारत के अंदर जब तक हम सख्ती से उन फॉल्ट लाइंस को सॉल्व नहीं करेंगे जिसके लिए हिंदुओं ने 2014 में उखाड़ कर फेंका था कांग्रेस की गवर्नमेंट को, कि अब हिंदुओं को अपनी गवर्नमेंट चाहिए, पहली बार हिंदुओं ने अपनी गवर्नमेंट को लेकर आए, और मोदी जी से जो उम्मीद थी कि अपने 2 टर्म्स में वो काम करेंगे, कहीं ना कहीं वो पीछे हटता हुआ दिखाई दिया। और अब मोदी जी के पास भी कोई चॉइस नहीं है, या तो दोबारा से बात कर रहा हूं, राम बनकर काम करते रहिए, वरना सख्ती से धनुष उठाइए और वान चलाइए, उसके बिना काम नहीं चलेगा, ये अपना काम करते रहेंगे। और उन्होंने अपना काम करना दिखाना शुरू कर दिया है कि इस देश में आर्मी में उन्होंने ऑलरेडी लड़ाइयां करवानी शुरू कर दी कि आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हिंदू मुसलमान शुरू कर दिया, हिंदुओं को बांट दिया है, दुश्मनों के साथ हाथ जोड़ लिया है कि इनको काम नहीं करने देना, देश की तरक्की नहीं बर्दाश्त है और ना ही ये होने देंगे। बेटा जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मोदी जी को अब खुलकर खेलना चाहिए, जैसे खेलना चाहिए, T20 का जमाना है। अगर उस मैच के अंदर जो फाइनल का मैच था, भारत ने खुलकर नहीं खेला होता तो हार गए होते। अगर साउथ अफ्रीका की तरह खेलते जो आखिर में आकर डगमगा गए, हिल गए, तो हार भी गए। क्या मोदी जी को T20 की तरह खुलकर नहीं खेलना चाहिए? समीर जी, जमाना तो T20 का ही है और खुलके ही खेलना पड़ेगा, तो तभी शायद कहीं पे आपको जीत हासिल हो सकती है या आप जो काम करना चाह रहे हो उसमें आपको कामयाबी हासिल हो सकती है। देखिए, मोदी गवर्नमेंट का आपको चॉइस नहीं है। बेसिकली जो उनका कोर वोट बैंक था, जो कि सनातन धर्म से जुड़े लोग थे या हिंदू धर्म से जुड़े लोग थे, या फिर जो सनातन और हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं वो जो लोग थे, तो उनका ही फिर से इनको विश्वास जीतना पड़ेगा। अब मुझे ऐसा लगता है सुमित जी कि इनकी जबान पे सबका साथ सबका विश्वास तो रहेगा, बट अंदर ही अंदर जिसका साथ और उसका विश्वास, जिसका साथ उसी को उसी जिसका साथ मिला है उसी का काम करके देने की हिम्मत रखेंगे ये, तो वो खेल अंदर ही अंदर शुरू होगा, वो शायद जबान पे इनके कभी नहीं आएगा, जबान पे सबका साथ सबका विश्वास ही रहेगा। और जो बात ये कि जो ये पूरा इकोसिस्टम है जिसके जरिए आपकी बात, जो इंडियन लाइंस की गवर्नमेंट है, स्पेशली कांग्रेस पार्टी जो है बढ़ चढ़ के अपने वोट्स लेके आ पाई है, पिछली बारी की सीटों से डबल सीट से भी ज्यादा सीट्स अपनी कर पाई है, तो हमें पता ही किस तरीके से हुआ, कितना पैसा हिंदुस्तान के अंदर फूका गया बाहर के देशों के जरिए और ऐसी एजेंसियों के जरिए जो कि मोदी गवर्नमेंट को नहीं चाहते थे कि किसी तरीके से अपना 3rd term रिपीट करे, ठीक है ना। तो अब शायद उनका उनका मकसद वही था, जैसे अभी इस डिस्कशन में पहले भी करा कि हिंदुस्तान को किसी भी तरीके से एक वीक बनाकर रखा जाए और ये स्ट्रांग गवर्नमेंट, स्ट्रांग नेशन की तरह उभर के ना आए, अपने आप में एक पावर सेंटर ना बने। तो मगर अगर मोदी गवर्नमेंट को असलियत में अपना लोगों का विश्वास जीतना है, तो उनके सामने एक बहुत बड़ा टेस्ट आ रहा है जो कि नवंबर के महीने में महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं और महाराष्ट्र में कम से कम 6 गुट बने हुए हैं, 3 गुट मोदी गवर्नमेंट के साथ में और 3 गुट बेसिकली सामने वाली ऑपोजिशन के पास है, तो 6 गुट बने हुए हैं, उसके अलावा छोटे छोटे और भी कई गुट है। मैं एक वार्निंग सिग्नल दे रहा हूँ आपके इस शो के जरिए सुमित जी, कि महाराष्ट्र में मुझे अब की बारी बीजेपी गवर्नमेंट अपनी सरकार बनाती नजर नहीं आ रही है, और अगर इनको सरकार बनाना है तो इनको अभी से बहुत बड़े बदलाव करने पड़ेंगे और बहुत
तेजी से वहां पे काम करना पड़ेगा, वॉट फुटिंग पे काम करना पड़ेगा, जमीन पे जाके काम करना पड़ेगा, जमीन के लोगों से जुड़ना पड़ेगा, उनका विश्वास फिर से जीतना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन में भी ये महाराष्ट्र में ये कुछ ज्यादा अच्छा अपना रिकॉर्ड नहीं बना पाई हुई है एनडीए अलायंस जो है, ठीक है ना, कुछ ज्यादा उसमें जो ऑपोजिशन की अलायंस थी उन्होंने ज्यादा सीटें निकाली। और यही चीज मुझे विधानसभा चुनाव में भी कहीं पे होती नजर रिपीट होती नजर आ रही है। और ये मोदी गवर्नमेंट के लिए लिटमस टेस्ट रहेगा कि अगर वो वाकई सीरियस है, वाकई आप इस देश में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको महाराष्ट्र को अपना टारगेट बनाना पड़ेगा। अगर वो किसी तरीके से महाराष्ट्र में वापस अपनी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो उनकी ताकत बरकरार रहेगी, वरना अदरवाइज और वीक हो जाएगी। ये बड़े ही आपने एक पॉइंट ऐसा बोल दिया विच शोज की आगे भी लिटमस टेस्ट मोदी जी के लिए कम नहीं है, ये लिटमस टेस्ट बढ़ते रहेंगे, ऑपोजिशन भी टेस्ट करती रहेगी और हम भी रोज इन चीजों को उजागर करते रहेंगे कि मोदी जी को क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मोदी जी को हमारी एडवाइस की जरूरत है, लेकिन क्या जो हिंदू हैं उनको एडवाइस की जरूरत नहीं है? हिंदुओं जो आज हम पार्लियामेंट में देख रहे हैं, हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, हिंदू धर्म के लिए जो कुछ ओपनली बोला जा रहा है, किसके थ्रू? ये बाबर की औलाद राहुल गांधी के थ्रू आपको सुनना पड़ रहा है। और ये सुनना इसलिए पड़ रहा है, इसलिए नहीं कि मोदी जी ने काम नहीं किए, इसलिए कि हम ही घर से बाहर निकलकर वोट देने नहीं गए और उसका प्राइस मोदी जी भी पे कर रहे हैं और हम भी पे कर रहे हैं, हमारा खून खौल रहा है आज ये सुन सुनकर। तो जी मैं सॉरी आपको मैं बीच में काट रहा हूँ, मैं एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूँ इसमें कि राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट दी हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू लोगों के बारे में, इस देश में कितने मंदिर होंगे, बड़े बड़े मंदिर होंगे गिनती नहीं है, कितने शंकराचार्य हैं वो भी अलग अलग मठों के अपने लीडर्स बन के बैठे हैं, ठीक है ना, कितने धर्म गुरु हैं हिसाब ही नहीं है, कितने लोग सामने आए हैं स्टेटमेंट को बोलने के लिए कि ये जो स्टेटमेंट दी है गलत स्टेटमेंट दी है, नॉट इवन वन। आप गिन के देखो, शायद उंगली पे शायद एक का दुक्का छेद कोई होंगे जो सामने आए हैं। जिन किन लोगों ने इसको अपोज करा है, बजरंग दल ने अपोज करा है, क्या शिवसेना ने अपोज करा है इसको? नहीं। उद्धव ठाकरे के शिवसेना अपोज करा, जो हिंदू 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 धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार बन के बैठे हुए थे, क्या उसने एक भी लफ्ज निकाला था मुंह से? नहीं निकाला। तो इसी से समझ आ जाता है कि हिंदू धर्म के लोग शायद अपना खुद का ही भला नहीं करना चाह रहे, करवाना चाह रहे, तो राहुल गांधी या उससे जुड़े लोग या वो जो कबाल है या विदेशी ताकतें, वो तो इस चीज का फायदा उठाएंगी ना। ये तो हमने उनको तस्वीर दिखानी है, उनके साथ लड़ना है, उनके साथ बाहर निकलना है, उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये काम तो हमने करना है ना। बेटा जी आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं खुद देख रहा था कि क्या पूरे भारत में प्रोटेस्ट शुरू होंगे राहुल गांधी के खिलाफ, कुछ भी नहीं हुआ, इवन कि आरएसएस की तरफ से मुझे कोई स्टेटमेंट दिखाई नहीं दिया है। और बाकी छोड़िए, कांग्रेस के अंदर जितने हिंदू नेता हैं उन्होंने भी इसका खंडन नहीं किया। बीजेपी ने जो होल बोला उसमें सिर्फ आपको मोदी जी जयशंकर जी की स्टेटमेंट सुनाई देती है, चलिए वहां पे दो तीन लोगों की आ गई, इतना ही बहुत है। लेकिन क्या अकेला स्टेटमेंट देना ही अनिवार्य है? क्या इसका ईंट का पत्थर के साथ जवाब देना नहीं चाहिए? मैं जैन हूं, अहिंसा को फॉलो करता हूं, लेकिन इतना भी बेवकूफ नहीं हूं। जैसे गांधी जी बोलते थे, एक थप्पड़ मारा है तो दूसरा गार आगे कर दीजिए। गांधी जी आपने कभी तो किया नहीं है, अगर हिंदुओं को चपेट में लगी थी तो आप मुसलमानों को आगे कर देते, आपके दूसरा गाल तो वही थे। आपने हिंदुओं को बोला तुम ही अपना गाल करो आगे, तो मुसलमानों को कभी बोला नहीं है। और मोदी जी को कहीं ना कहीं ये गांधीपन जो हमारे यहाँ पर फैला हुआ है इसे खत्म करना पड़ेगा। मैंने तो छोड़ दिया है गांधीपन जो है, हमें भी सेकुलरिज्म का कीड़ा काटा हुआ था क्योंकि बचपन से हमने सेकुलर वर्ड पढ़ा है, हमें ही पढ़ाया गया और दूसरे कौम को कभी पढ़ाया नहीं गया। राहुल गांधी ने तो बचपन से सेकुलर पढ़ा ही नहीं है, ना ही फॉलो किया है। इसलिए मोदी जी को भी कहीं ना कहीं ये सेकुलरिज्म का सबका साफ सबका विश्वास वाला काम खत्म करना पड़ेगा, हिंदुओं का विश्वास जागना पड़ेगा। और जो आपने बोला है महाराष्ट्र के लिए, आई एम रियली सरप्राइज आपने इस मुद्दे को टेकअप किया है, इसको डिटेल में दोबारा से एनालिसिस करेंगे महाराष्ट्र के ऊपर भी, क्योंकि मुझे खुद को लगता है कि महाराष्ट्र कहीं ना कहीं फिसलता हुआ दिखाई देता है। और वहां पे जो हो रहा है वो बिकॉज कैपिटल मार्केट ऑफ द कंट्री है, वो वहां पे जो होगा उसके रेप्रिकेशंस पूरे भारत में आपको दिखाई देंगे। वहां पर बड़ी खूबसूरती से इन्होंने 10-15 गुट बना दिए हैं, हिंदुओं को डिवाइड कर दिया है
और वही फॉर्मूला पूरे भारत में भी इंप्लीमेंट होता हुआ दिखाई देता है। अब देखते हैं मोदी जी इन सारी चीजों को कैसे हैंडल करते हैं, हमारी नजर इस चीजों के ऊपर बनी रहेगी, बिकॉज ये मुद्दे हैं जो भारत के फैब्रिक को खत्म करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और ये धूरत जिसको हम पप्पू बोलते थे, वो पप्पू नहीं रहा, वो बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी बन चुका है। और मुझे लगता है कि ये अपनी गेम के अंदर जो ये गेम चला रहा है उसमें सफल होता हुआ दिखाई भी देता है। उसका सोल्यूशन एक ही है, मोदी जी को कुछ ना कुछ कर बड़ा काम करना पड़ेगा। और इन्हें पकड़ के अंदर मारना है या इनको डंडे मारने हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ भी करना पड़े ये करना पड़ेगा, उसके बिना ये देश को तोड़कर ही अब सांस लेंगे। और हिंदुओं, आपके लिए बचकर भागने की अब कोई भी जगह बची नहीं है। दुनिया में आपको अब एक हिंदुस्तानी था वहां पर खत्म करने की बातें बोली जानी शुरू हो गई हैं, आपको गालियां दी जा रही हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर, और आप अभी भी हमें ही गालियां दिखा रहे हो कि यार ये वीडियोस क्यों बनाते हो, इसमें कोई चटपटी बात तो है नहीं। ये हालत है हिंदुओं की, और जब तक हिंदू इस मेंटेलिटी से बाहर नहीं निकलेगा सुधार नहीं हो सकता। आपको ऐसे ही आपकी बेइज्जती होती रहेगी। आपको सुनकर हैरानी होगी कि जब राहुल गांधी ने यह स्टेटमेंट दिया है आफ्टर 5 मिनट्स पाकिस्तान के पार्लियामेंट में और उनकी मीडिया में भंगड़े डाले गए हैं कि हिंदुओं को देखो हिंदुस्तान में ही गालियां पड़नी शुरू हो गई हैं। ये हालत है आपकी, और अगर अभी भी संभले नहीं तो मुझे नहीं समझ आता इसके बाद कब जागोगे। मुझे लगता है अगली बार जागने की उम्मीद ही छोड़ दीजिए, वो नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि आपकी नींद में ही आपके गले काट दिए जाएंगे। यही प्लानिंग है किसकी, राहुल गांधी की, जिसको आज भी आप बड़े आसानी से पप्पू बोलते हैं। वो पप्पू नहीं रहा, वो षड्यंत्रकारी बन चुका है, सारी दुनिया की ताकतें उसको अकल दे रही हैं। आप इसको पप्पू दे बोलना बंद कर दीजिए, वी हैव टू टेक हिम सीरियसली, और सीरियसली इसका इलाज भी करना पड़ेगा। बेटा जी, इसके ऊपर हमने बड़ी डिटेल में एक जानकारी दी है, सॉरी मुझे क्लोजिंग कमेंट बड़े डिटेल में देना पड़ा, बिकॉज ये मुद्दा ही ऐसा है। मेरा जो है पूरी आत्मा मेरी झिझोर दी है जो कुछ इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर पिछले 2-3 दिनों में किया है, इट इज नॉट स्मॉल थिंग। जो कुछ इन्होंने पार्लियामेंट में किया ये सिर्फ अभी स्टार्ट है, ये अगले 5 साल क्या कुछ करने वाले हैं इसका अंदाजा ये आपको भी है मुझे भी है। नहीं है तो हिंदुओं को नहीं है और ना ही होगा। आज भी हिंदू हमारे यहाँ पे कमेंट्स आके बोलते हैं कि यार राहुल गांधी ने तो 1 लाख रुपए देने का प्रॉमिस किया था, मोदी जी ने तो 1 भी रुपया देने का प्रॉमिस नहीं किया, हम मोदी को वोट क्यों करें। ये हालत है हिंदुओं की, और राहुल गांधी को पता लग गया कि ये जो स्टेटमेंट दिया है इससे 100% मुसलमान वो उसके साथ खड़ा हो गया, हिंदू भी उसके साथ ही देंगे, और अगली बार मोदी जी की गवर्नमेंट आएगी ही नहीं। चाइना में एक बात है जो मैं आज शेयर करता हूं आपके साथ, कि राहुल गांधी अगले 1-1.5 साल में अपने सारे MPs को बोलेगा रिजाइन करने के लिए, ताकि यहां पर मिड टर्म इलेक्शन नहीं दोबारा से इलेक्शन कराए जाए, और उसमें मोदी जी को बुरी तरह से हराकर ऐसे ऐसे केसेस डाले जाएंगे कि मोदी जी कभी भी सलाखों से बाहर ना निकल पाए। ये मुगलों की औलादों में आपने हमेशा देखा है, मुगलों में हमेशा ही राजा को जेल की जाती है और उसके बाद सत्ता पे काबिज हुआ जाता है। राहुल गांधी भी यही करना चाहता है, और ये करने के लिए वो पूरी प्लानिंग कर चुका है, और हिंदू आज भी जागा नहीं है, इसी बात का दुख है। देखते हैं हिंदू कब जागेगा। संजीव जी थैंक यू सो मच, मैं सोच रहा था कि 10-15 मिनट की वीडियो बनाएंगे बट लंबा हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। जी मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, बेसिकली एक रिक्वेस्ट है मेरी आपके प्लेटफॉर्म से, जितने भी सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं, हिंदू धर्म से जुड़े लोग हैं, कि देश में जो कुछ भी गलत हो रहा है उस पे उसके प्रति अपनी आवाज उठाइए, उसके प्रति अपनी जो भी आपके मन से बात उठती है उस पर पार्टिसिपेट कीजिए। जो भी आपके उसमें गलत हो रहा है उसमें जब तक आप बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेंगे, जब तक उस पर आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक उसको सही करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये आपके साथ गलत होता ही चला जाएगा। इस पे ये लोग पीछे हटने वाले नहीं है, ठीक है ना। पार्लियामेंट में तो चलो जो भी रूलिंग गवर्नमेंट के लोग हैं वो इस चीज का जो भी उनको करना होगा वो करेंगे, मगर इस देश के एक सिटीजन होने के नाते आपका आप सबका भी एक फर्ज बनता है कि इस देश में जो बांटने की बात हो रही है, अराजकता फैलने की लाने की बात हो रही है, इसको बैकफुट पर लाने की कोशिश करी जा रही है, उसके अंगेज आप आवाज उठाएं। अब नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? क्या आप क्या वेट कर रहे हैं कि जब तक आग आपके घर के चौखट तक नहीं पहुंचेगी तब तक आप जागेंगे नहीं? शायद तब तक आपका बहुत देर हो जाए कि आपको उस आग को बुझाने का आपको जरिया नहीं मिलेगा। जिस दिन आग घर आपके चौखट तक पहुंच जाएगी
तब उस आपके पास लड़ने की ताकत ही नहीं रहेगी उससे में, इसलिए उस आग को अपने 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 नजदीक आने से पहले उसको पहले ही बुझा लिया जाए, उस पर पहले ही पानी डाल दिया जाए, कुछ ऐसा काम कीजिए मिलजुल के इकट्ठे होइए और फिर इस देश के महान देश को फिर से उस राह पे ले जाने की हम कोशिश करें मिलके, जिसमें ये ताकतवर दुनिया के सबसे ताकतवर देश बन के उभरे, जो कि मोदी जी का सपना है, और ऐसा ही हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम अपना ही नुकसान करके बैठ जाएंगे। जी, बहुत बड़ी एंटी करी आपने, थैंक यू सो मच, और दोबारा से बात करते हैं अगले मुद्दे पर, तब तक लिए जय श्री राम। जय श्री राम। हाय देयर, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड एक्टिवेट द बेल आइकॉन सो दैट यू रिसीव ऑल नोटिफिकेशंस व्हेनेवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।